नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जिसको आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली ये स्टॉक्स है, जिसमें पहला स्टॉक्स है स्क्वार्स लिमिटेड। काफी बेहतरीन स्टॉक, काफी पहले मैंने रिकमेंड किया था। और देखिए यहाँ पर इसको मैंने जब रिकमेंड किया था ये स्टॉक्स लगभग 1200 के आसपास चल रहा था, वहां से ये स्टॉक्स अभी लगभग 1900 तक जा चुका है। तो काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है। और जब भी ये गिरावट में मिलता है तो आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें रिसेंट टाइम का, जो इसका जो यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट है, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, देखिये लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स काफी नीचे भी आ सकता है और हो सकता है काफी ऊपर भी चला जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म का यहाँ जो सपोर्ट है वो है 1835 का, और जो यहाँ पर रेसिस्टेंस है वो है 1890 का। अगला स्टॉक्स है जुबिलेंट फूड, ये भी काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है। और अभी इसका बात करें करंट प्राइस का 3832 रुपीज का है, और इसका सपोर्ट की बात करें वो है 3600। और यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो चार्ट पे अभी काफी वीक दिख रहा है। अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो है 3920 रुपीज का, और यहाँ पर जो सेकेंड रेसिस्टेंस है वो है 4080 रुपीज का, और यहाँ पर जो सबसे ऊपर का रेसिस्टेंस रीजन है वो है 4600 का। तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है जिसे ब्रेक करना पड़ेगा इस स्टॉक को बुलिश होने के लिए। फिर देखिए अगला जो स्टॉक्स है वो है ट्रेंट। ट्रेंट भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और काफी जबरदस्त सॉलिड फंडामेंटल्स वाले ये स्टॉक्स है। आप चाहे तो इस स्टॉक को भी गिरावट में बाय कर सकते हैं। अगर इसके रिसेंट सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 992 रुपीज, मतलब 990 के नीचे क्लोजिंग बेसिस दे देता है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ही जबरदस्त बाय है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट के पास आकर के ये रिवर्सल दे रहा है। देखिए ये यहाँ पर डबल बॉटम लगा चुका है, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, जस्ट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ये रिवर्सल दिखा रहा है, तो आप इस रिवर्सल पर इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में तेजी लाता है तो निश्चित रूप से स्टॉक जबरदस्त मूवमेंटम यहाँ से देगा, और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 990 के नीचे। और यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो वह है 1200 का, तो यहाँ पर आप जो है 1200 का टारगेट आप रख सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, नीचे आकर के फिर ऊपर जा सकता है, तो बहुत सारा वोलेटिलिटी रहता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस तरह के सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। फिर जो अगला स्टॉक्स है वो है डीमार्ट, काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका जो रिसेंट सपोर्ट है वो है 4570 रुपीज का, और यहाँ पर बात करें करंट जो प्राइस इसका ट्रेडिंग हो रहा है वो है 4815 रुपीज, और यहाँ पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो है 5175 का, ये रेसिस्टेंस रीजन है। तो यहाँ पर डबल रेसिस्टेंस है, ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, फिर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है जिसका जो ऑल टाइम हाई है, ये भी रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है जो है 5860 का। ये भी स्टॉक्स काफी जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं हर गिरावट में। फिर जो पांचवा स्टॉक्स है वो है डिविज लैब, काफी बेहतरीन स्टॉक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की काफी जबरदस्त कंपनी है। लेकिन यहाँ पर चार्ट पे थोड़ा सा ये स्टॉक्स वीक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अपना सपोर्ट रीजन है उसको ब्रेक कर दिया है। स्टॉक्स काफी जबरदस्त मूवमेंटम क्या है, पैंडमिक में गिरावट में ये स्टॉक्स मात्र 500 का मिला था, वहां से देखिए ये हाई लगाया है लगभग 5400 का, तो काफी बड़ा मूवमेंटम इस स्टॉक्स ने दिया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट पे वीकनेस दिख रहा है, देखिए लगातार लो पर लो बना रहा है, तो जब लगातार लो पर लो बन रहा हो तो स्टॉक को हम टेक्निकल चार्ट पे वीक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लो बनाया, इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया गया, फिर यहाँ पर इस लो को भी इस बार ब्रेक कर चुका है, तो फिर ये कहाँ पर सपोर्ट लेता है ये देखना होगा। तो फिलहाल ये अपना जो यहाँ पर सपोर्ट था उसको ब्रेक कर चुका है जो कि था 4760 का, और जो नीचे जो इसका सपोर्ट रीजन आप निकल के आ रहा है तो वो यहाँ पर जो सपोर्ट हो सकता है 4400 पर ये सपोर्ट ले सकता है, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे, तो थोड़ा सा रिवर्सल का आपको वेट करना है इसमें एंट्री के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है। तो ये पांच स्टॉक्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया, कि जिसमें से कई सारे स्टॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग रूप से टेक्निकल चार्ट पे बुलिश पैटर्न बनाया है, और ये स्टॉक्स ऐसा है डिविज लैब जो कि बेयरिश पैटर्न बनाया है,
कुछ स्टॉक साइड पेज भी है जैसे डीमार्ट हो गया, तो जो स्टॉक्स बुलिश है उसमें आप अभी एंट्री ले सकते हैं जैसे ट्रेंड हो गया। तो इस तरह से जो बेरिश है उसमें आप वेट कर सकते हैं जैसे डिविज लैब हो गया। मार्केट में गिरावट के साथ ये स्टॉक्स आपको और ज्यादा गिरावट में मिल सकता है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स जब वो बुलिश मोमेंटम में हो, जब उसमें तेजी हो, उस समय ऐड कीजिए अच्छे प्राइस लेवल पे और उसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। निश्चित रूप से काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।